السلام عليكم. Let us begin the translation. Alan explained to the old man that he was on his way to a cricket match and that he must not be late, but he seemed not to hear him. तो यहाँ पर जो वर्ड आया explain, उसके मारे होते शर्ह करना, वाज़ह तौर से बोलना या बताना. एलन एक्सप्लेन्ड, एलन ने वाज़ह तौर पर समझाया टू द ओल्ड मैन, बुड्ढे आदमी को, दैट ही वाज ऑन हिज वे टू अ क्रिकेट मैच, कि वह रास्ते से जा रहा था एक क्रिकेट मैच के लिए. एंड दैट, और ये कि ही मस्ट नॉट बी लेट, कि वो लेट ना हो जाए. बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन वो लगा कि वो उसकी बात को नहीं सुना. वेयर डू यू लिव सर, आप कहाँ रहते हैं सर, कॉल्ड एलन. एलन ने कहा, एट लास्ट, आखिर में, इन द ओल्ड मैंस ईयर, बूढ़े आदमी के कान में, अप द रोड एंड समवेयर राउंड द कॉर्नर, ही आंसर्ड इन हिज थिन एंड वीक वॉइस. वो जवाब देता है अपने कमज़ोर और पतले आवाज़ में, कि रोड के ऊपर और कोने के इर्द गिर्द रास्ते में रहता हूँ. ओके, यस, थिन माने होता है पतली आवाज़. ओके, आई शुड बी सो मच ओब्लाइज्ड, मैं शुक्रगुजार होऊंगा, टू बी ओब्लाइज्ड, शुक्रगुजार होना. इफ़ यू कुड सी मी होम, अगर आप मुझे घर को पहुंचा दो या घर दिखा दो. ओके, यू लुक, आप दिखते हो, अ वेरी काइंड लिटिल बॉय, एक बहुत ही मेहरबान छोटे लड़के. सी हिम होम, क्या वो उससे छोड़ेगा घर. एंड दे वर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ, और वो लोग अभी भी काफ़ी दूर थे. ओके, इफ़ ओनली ही कुड वॉक अ लिटिल फास्टर, अगर सिर्फ वो थोड़ा सा तेज़ चले तो उसे छोड़ सकता है. वाई, क्यों. द टीम वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड, टीम्स पहले से फील्ड में होंगी. एंड कप्तान वुड बी वंडरिंग, और कप्तान सोच रहा होगा, ओके, सोच रहा होगा, why he did not come, कि वो क्यों नहीं आया, यानी एलन क्यों नहीं आया. तो वंडर माने सोचना. सडनली द ओल्ड मैन stumbled ओवर अ लूज पेविंग स्टोन एंड fell heavily ऑन द ग्राउंड. अचानक बुड्ढा आदमी लड़खड़ा करके एक ढीले हमवार पत्थर पे गिर पड़ता है. एंड यानी लड़खड़ाता है. अचानक द ओल्ड मैन, बुड्ढा आदमी, stumbled, लड़खड़ा जाता है ओवर अ लूज पेविंग स्टोन, एक हमवार ढीले स्टोन पर, पत्थर पर. एंड fell heavily, और तेज़ी से गिर जाता है ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर. डोंट लीव लिटिल बॉय, murmured द ओल्ड मैन, डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ना. लिटिल बॉय, छोटे लड़के, murmured द ओल्ड मैन, बुढ़े आदमी ने
बनबनाते हुए बोला, यह बुड़बुड़ाते हुए कहा। ठीक है, मरमर माने होता है बुड़बुड़ाना। नो आई विल स्टे हियर, नहीं मैं यहीं रहूँगा, सेड एलन, एलन ने कहा। एंड ही सेट डाउन, और वो बैठ गया, बिसाइड हिम, उसके जानिब, उसके पास, फॉर ही फेल्ट श्योर, ताकि वो यकीन महसूस, क्योंकि उसे यकीन था, फॉर के माने मतलब क्योंकि, क्योंकि उसे यकीन था, फिल श्योर माने यकीन होना, क्योंकि उसे यकीन था दैट समवन वुड कम, कि कोई शख्स आ सकता है, दैट वे सून, इस रास्ते से जल्दी। एलन स्टेड एंशियसली अप एंड डाउन द रोड, एलन घूरता रहा सोचते हुए, एंशियसली सोचते हुए, अप एंड डाउन द रोड, रोड के ऊपर और नीचे। ड्यूरिंग द मिनट्स, उन मिनटों में, दैट फॉलोड, जो बैठने के बाद आए, द मिनट्स almost seemed like hours, minutes अक्सर बेशतर, seemed like hours घंटों की तरह से लगते थे। then at last, लेकिन फिर अखीर में, turning the corner came a jolly looking, यानी कोने से मुड़ते हुए एक खुश कुन या खूबसूरत पुलिसमैन आया। एलन कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय, एलन चिल्ला चुका था फॉर जॉय, खुशी से। ओके, तो यहाँ पे टर्निंग द कॉर्नर केम अ जॉली लुकिंग पुलिसमैन, यानी कोने से मुड़ करके एक खुश अंदाज पुलिसमैन आया। एलन कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय, और एलन खुशी के मारे चिल्ला गया या चिल्ला दिया, आई विल सी दिस जेंटलमैन होम, मैं इस जेंटलमैन को घर छोड़ूंगा। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, द पुलिसमैन सैड, पुलिस ने कहा। आफ्टर एलन एक्सप्लेन्ड, एलन के शरह करने के बाद, एलन के बताने के बाद, व्हाट हैड हैपेंड, जो वाक़ हुआ था। देन एलन रैन ऑफ एंड फ्लू एज फास्ट as his leg would carry him to the sport grounds. Alan दौड़ा और तेज उड़ा जितना कि उसके पैर उसको ले जा सकते थे खेल के मैदान में। But the game had started, लेकिन गेम, खेल शुरू हो चुका था। When he arrived, जब वो आया या वो जब वहाँ पर पहुँचा, तो खेल क्या हो गया था, शुरू हो गया था। Why it is Alan, said the teacher, who was standing just inside the entrance. क्यों, क्या है Alan, क्यों Alan, said the teacher. टीचर ने कहा, हु वॉज स्टैंडिंग, जो खड़ा हुआ था, चेस इनसाइड द एंट्रेंस, दाखिल होने वाले जगह के अंदर या गेट के अंदर। यू आर नॉट मच गुड, आप ज़्यादा अच्छे नहीं हो, इफ़ यू कांट कम अप
अगर नहीं आ सकते हो तुम टू टाइम टाइम पर वी हैव पुट इन यंग हॉलैंड बैंक्स तो हम लोग रख चुके हैं नौजवान हैरोल्ड बैंक को इन योर प्लेस आपकी जगह में फॉर्चुनेटली और किस्मत से ही इज पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर और वो अच्छे ओवर खिला रहा है यानी वो अच्छा बॉलिंग कर रहा है एलन बिट हिज लिप एलन ने अपने होठों को काटा यानी अफसोस किया हाउ कुड ही एक्सप्लेन वो कैसे वाज़ह करे ही टर्न्ड अवे वो मुड़ करके दूर चला गया एंड मेड हिज वे स्लोली होम और धीरे धीरे घर की तरफ वापस होने लगा ओके या हिज फादर ओपन द डोर उसके बाप ने दरवाजे को खोला ब्रेव एलन शाबाश एलन ही सेड उसने कहा पैंटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक अपने बेटे की पीठ पर ठोकते हुए ठीक है पैंट माने होता है ठोकना पैटिंग माने मतलब ठोकना बट डैडी लेकिन अब्बू बिगेन एलन एलन ने कहना शुरू किया बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम लेकिन उसके बाप ने मुदाखलत की बातों में इट इज़ ऑल राइट ऑल मैन ठीक है ऑल मैन यानी अपने बेटे को प्यार से वो कह रहा है ही सैड उसने कहा यू सी आप जानते हो आई केम अप बिहाइंड द पुलिस मैन मैं पुलिस मैन के पीछे आया था एंड ही टोल्ड मी और उसने बताया है मुझको व्हाट हैड हैपेंड जो वाकई हुआ है सो आई न्यू इसलिए मैं जानता था यू आर प्लेइंग द गेम कि आप गेम खेल रहे हो ऑल्दो इट वाज ऑन द क्रिकेट ऑल्दो इट वाज नॉट ऑन द क्रिकेट पिच अगरचे वो खेल क्रिकेट के पिच पर नहीं था सो आई वेंट बैक इसलिए मैं लौट गया टू द मार्केट प्लेस बाजार की जगह के लिए एंड बॉट द बाईसाइकिल और मैंने साइकिल को ख़रीदा आई प्रामिस्ड यू जिसकी मैंने वादा किया था तुमसे ओके इट इज़ अ ब्यूटी यह खूबसूरती है एंड एलन वी आर प्राउड ऑफ यू और एलन हम लोगों को आप पर फख्र है योर मदर एंड आई आपकी अम्मी और मैं एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग और क्लासरूम में अगली सुबह द बॉयज गेव एलन दीज लाउड चीयर्स लड़कों ने एलन को दिया थ्री लाउड चीयर्स तीन शोर मचाने वाले चीयर्स को खुशियों को एज वनली स्कूल बॉयज क्योंकि सिर्फ स्कूल के लड़के ही कैन कर सकते हैं फॉर इन द सम मैस्टीरियस फैशन चंद राजदाराना अंदाज में
दे टू हैड लर्नड, उन लोगों ने भी सीखा ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, या दे टू हैड लर्नड, उन सबों ने भी जाना ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, उसके तमाम रहम दिलाना काम को. ओके, काइंड एक्ट यानी रहम दिली वाले काम, अच्छे काम. लर्न मीन्स यहाँ पर जानना. मैस्टीरियस फैशन यानी मैस्टीरियस माने होता है राजदाराना. तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन ऑफ टुडेज लेसन. ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क एंड यू कैन डीएम मी. ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.